भाई ग्वालियर मैं रुका था, कृष्णा गेस्ट हाउस। भाई साहब ने मेरी बहुत हेल्प करी कल शाम, तो करते हैं भाई साहब को बाय बाय और ग्वालियर शहर को भी। और जो नेक्स्ट राइड है वो है झांसी की, भाई गूगल मैप के सहारे निकलते हैं झांसी की ओर। ठीक है भाई। तो दोस्तों ये था पूरा ग्वालियर से, मैंने आपको सारे विजिटिंग प्लेस के दिखा दिए जो काफ़ी खूबसूरत है, जैसे आपका जय विलास पैलेस है, ग्वालियर का फोर्ट है और उसके अंदर सास बहू का टेंपल और तेली का मंदिर। अगर आपने वो ब्लॉग देखा नहीं तो उससे पहला वाला ब्लॉग देख लेना, तो उसमें पूरा ग्वालियर शहर के बारे में मैंने बताया हुआ है। तो फिलहाल मेरा जो टूर है वह है अभी झांसी की ओर, और अगर डिस्टेंस है आपके 150 या किलोमीटर के अप्रॉक्स। तो इस शहर की खासियत एक और है कि यहाँ पे जितने भी चौक हैं वो सब हमारे जितने हमारे इतिहास में महान विभूति थे, स्वामी विवेकानंद हैं, महाराणा प्रताप हैं, शिवाजी हैं, तो उनके बहुत सारे चौक बने हुए हैं। जितने भी आपके चौराहे हैं तो वहाँ पर किसी न किसी भारत के महान व्यक्ति की प्रतिमा ज़रूर लगी हुई है।
नाम है सिंध नदी, नीचे सिंध नदी बह रही है और क्या औसम फीलिंग आ रही है भाई साहब। नहीं मैं अगर इस रूट पे नहीं आता तो मैं काफ़ी कुछ मिस कर जाता था। हो सकता है कि भाई किस्मत ये रास्ता मेरे को मिल गया या कि जैसा भी हो, लेकिन मेरा दिल खुश हो गया है। कितना प्यारा रास्ता है, एक तो हाईवे काफ़ी अच्छा है, ऊपर बीच में जो बीच में थोड़े हिल्स आ रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत दिन से हिल्स में बाइक नहीं चलाई है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा मेरे को ऐसा लग रहा होगा कि इतने हिल्स आ गए। और ये जो शार्प मोड़ है जिन्हें मैं बाइक झुकाता हूँ, वहाँ मेरा दिल खुश हो गया। मतलब जो घाट वाला पूरा हिस्सा है ना, इसको मतलब पूरे 100 में 100 नंबर मिले। मतलब मैं कुछ कह मतलब बयान नहीं कर सकता कि मुझे कितना मज़ा आ रहा है कि आप किस रास्ते पर बाइक चला के, क्योंकि अभी शाम का टाइम भी है थोड़ा, वैसे भी थोड़ा सूरज ढलने को है, लेकिन नज़ारा काफ़ी अच्छा मिल रहा है, काफ़ी अच्छा। क्योंकि इसमें एक एक दिक्कत ये हो रही है ना, बीच बीच में गाँव पड़ रहे हैं, तो ये अभी ये हाईवे तो है बहुत तेज, लोग गाड़ियाँ बहुत चला देते हैं, अभी देखो जैसे वो बाइक वाले ने उधर बाइक चला दी ऊपर, ठीक है। ऐसे ही मतलब कई जगह आपको देखने को मिलेगा, तो मतलब इसमें थोड़ा मैं स्पीड कम ही रख रहा हूँ। पहले मैं 90 चला रहा था, लेकिन अभी मैंने क्या किया 70 तक मैं चला रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ कुछ किसी और की गलती की वजह से भी आपको हमेशा भुगतना पड़ सकता है। और हादसे अक्सर ऐसे होते हैं दूसरों की लापरवाही या अपनी बड़ी लापरवाही के कारण। जो लोग रोज़ बाइक चलाते हैं, जो पार्टी राइड करते हैं, उनको नहीं पता है, लेकिन जो इधर ऐसे आते हैं बीच में फिर उन लोग को नहीं पता है। सावधानी चलो, और क्या बोलते हैं, सुरक्षित बात। तो भाई साहब इंट्री होगी है झांसी में, हम पहुंच गए मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में। जैसे ही शहर के अंदर घुसो तो वैसे ही क्या होता है कि ट्रैफिक लग जाता है बहुत ज़्यादा। फिर से वही गोल है, होटल ढूंढना है रात के ठिकाने के लिए, कि कौन कौन कितने में मिल जाएगा, सस्ता मिल जाए बजट में तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ये काफ़ी खूबसूरत शहर है, पूरा देखो तिरंगे की वाली लाइट लगी हुई है, कल 26 जनवरी है उस उपलक्ष्य में। तो गाइस अभी ये तरीका थोड़ा अलग है, सामने मिरर लगा हुआ, तो उसके बाद मैं थोड़ा ऐसे ब्लॉग बनाता हूँ आज कुछ अलग टाइप से। तो फिलहाल हम लोगों ने जो दूरी तय की थी वो की थी 105 किलोमीटर ग्वालियर से झांसी। उस हाईवे को छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, मैंने लग रहा था कि इसी में सीधे कन्याकुमारी पहुंच जाऊं। लेकिन मैं कमिटमेंट करता हूं कि जिस दिन मेरे 1 मिलियन हो जाएंगे उस दिन मैं इसी रास्ते से कन्याकुमारी जरूर जाऊंगा। कैसा लगा आपको ये ब्लॉग आज का ग्वालियर टू झांसी, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, क्योंकि आप देखते हैं हम लोग बहुत मेहनत करते हैं इसलिए। तो कल सुबह शायद मैं आपको दिखाऊंगा झांसी का फोर्ट कैसा है, झांसी का फोर्ट, और साथ में अगर कोई और विजिटिंग प्लेस होगा यहाँ का तो वो भी दिखाऊंगा। तो टिल देन गुड बाय, मिलेंगे फिर से नेक्स्ट ब्लॉग पे। आप लोग का हमेशा मुझे ऐसे प्यार मिलते रहे और मैं अपने मतलब कामयाबी की सीढ़ियां मिला चढ़ते रहूं, बस आपका प्यार चाहिए और कुछ नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे आदि ब्लॉग्स के साथ, स्टे ट्यून इन माय चैनल आदि ब्लॉग्स।